बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ आपका मेज़बान अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जाएगी वो होगा, ज़ुबैर उमर ने नून लीग से बगावत कर डाली, मुस्लिम लीग नून की एक और बड़ी विकेट गिर गई, वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। ये खबर क्या है, इस खबर की मुकम्मल तफसीलात आपके साथ स्टूडियो में डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। और कमेंट सेक्शन में लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और एक है कौम और एक ही मंजिल। जुबैर उमर का सोशल मीडिया के ऊपर एक जो वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है निजी चैनल को, तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर क्या रद्देमल आया है वो डिस्कस मैं करूँगा आगे चलकर। सबसे पहले मैं आपके साथ जुबैर उमर का जो उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें वो क्या कहते हैं वो आपके साथ शामिल करता हूँ। जुबैर उमर साहब इंटरव्यू देते हुए कहते हैं निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जुबैर उमर का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे, मोहम्मद जुबैर ने बांडा फोड़ दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे, इसका जवाब देते हुए लीगी तर्जमान मोहम्मद जुबैर ने निजी टीवी चैनल को सारे मामले का पोल खोलते हुए बताया कि नवाज शरीफ अपनी सेहत की वजह से नहीं बल्कि फेयर ट्रायल ना होने की वजह से वतन वापस नहीं आ रहे। इतना बयान चल रहा है, बाद में मैंने इस खबर के ऊपर तहकीक की कि क्या कि वाकई ही कोई जुबैर उमर का जिस तरह सोशल मीडिया बता रहा है, लोगों में एक हंगामा बरपा है कि इस शख्स की कहीं कोई जुबैर उमर साहब का कोई जमीर जागा है इस वजह से, या फिर असद उमर ने इनको कुछ कहा है तो कहीं असद उमर जुबैर उमर कोई नून लीग को छोड़कर और नून लीग के खिलाफ कोई बगावत तो नहीं करने जा रहे। बाद में मैंने इस खबर की तहकीक की तो मुझे पता चला कि मियां नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल नहीं मिला, ये बात करके लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने अदालतों पर सवालात उठा दिए। दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा मियाँ इसके अलावा अताउल्लाह तारड़ और मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नैब एक मुकदस गाय है और नैब के खिलाफ कोई बातचीत नहीं कर सकता, और नैब इमरान खान साहब और नैब नियाजी गठजोड़ है और इमरान खान साहब के ऊपर जब भी मुश्किल आती है तो फिर इमरान खान साहब नैब को यूज करते हैं। इसके बाद मरियम नवाज का बयान आया, वो बयान क्या था, वो बयान बताने से पहले मैं एक चीज को यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि जुबैर उमर ने ये बयान मरियम नवाज शरीफ की जो 26 मार्च की पेशी कैंसल हुई है, जो मुलतवी हुई है, उस पेशी को मुलतवी होने से पहले ये बयान दिया था, बाद में अब वो बिल्कुल चुप हो चुके हैं। ये बयान उन्होंने क्यों दिया था, ये बयान इसके पीछे तमाम तर चीजें आपको मरियम नवाज शरीफ की जो उन्होंने जब उनकी नैब की पेशी मुलतवी हुई उसके ऊपर उन्होंने आकर खुद ही बता दिया। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि नैब एक मुकदस गाय है, इमरान खान साहब जब भी मुश्किल में फंसता है तो नैब को इस्तेमाल करता है। नैब ने ये क्यों कहा कि मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, जनरल कमर बाजवा के खिलाफ बयान दे रही है और ये तमाम तर चीजें, ये नैब क्यों कहे, नैब आखिर होता कौन है, तो यहां पर से नैब न्याजी गठजोड़ हमें साफ नजर आ जाता है। जब जुबैर उमर का मैंने ये बयान देखा तो मैंने तमाम तर तहकीक की तो मुझे पता चला कि ये बयान कोई नवाज शरीफ के अगेंस्ट नहीं है, ये बयान नवाज शरीफ के उन्होंने हक में दिया है। यहाँ पर उन्होंने कोई बगावत नहीं की। जो मीडिया पर तमाम तर चीजें जा रही हैं कि नून लीग को छोड़कर जुबैर उमर तहरीके इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं या लोगों को ये कोई उनको ख्यालात आ रहे हैं, तो ये ख्यालात अपने जहन से निकाल दें। जुबैर उमर साहब किसी सूरत में भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत उनकी नहीं इख्तियार करने जा रहे और ना ही वो नून लीग से उन्होंने बगावत की है।
बल्कि वो उनकी जो मरियम नवाज की जुबान है, जो मरियम औरंगजेब की जुबान है, और अता उल्ला तारड़ और जुबैर उमर की जुबान, और इस तमाम ये जो नून लीग है, इन तमाम तर लोगों की जमात की जितनी भी ये तमाम तर बयानात हैं, ये एक ही हैं, ये एक ही जुबान बोल रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान फौज को टारगेट किया, इन्होंने इमरान खान साहब को टारगेट किया, इन्होंने नैब को टारगेट किया, लेकिन यहाँ पर भला हो उस मीडिया का जो कि ये कहता था, अहमद मीर साहब जैसे शख्स जो के कहते थे कि अगर 15 दिनों तक नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस ना आए, अपना जो उनको टाइम मिला है उस टाइम के बाद अगर 15 दिन उन्होंने मजीद नहीं पाकिस्तान वापस आए तो मैं सबसे ज्यादा बोलूंगा। आज नवाज शरीफ को पाकिस्तान से लंदन रवाना हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है, लेकिन वापसी के ऊपर अहमद मीर की जानब से बिल्कुल खामोशी है। जुबैर उमर के इस बयान के ऊपर मीडिया बिल्कुल खामोश है। मंसूर अली खान किधर है? मंसूर अली खान, कोई मंसूर अली खान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया क्या? जुबैर उमर के इस बयान के ऊपर मीडिया कोई जरा रत्ती बराबर भी इसके ऊपर डिबेट कर रहा है कि जुबैर उमर साहब क्या कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ बीमार नहीं थे? ना नवाज शरीफ बीमार थे, बल्कि शुरू से लेकर आज तक जितना भी बताया गया ये सिर्फ ड्रामा था। ड्रामा मीडिया ने रचाया, फेक रिपोर्ट्स बनी, फेक रिपोर्ट्स इमरान खान तक पहुंची, इसका जिम्मेदार कौन है? ये हर बात का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हैं। आईएमएफ के पास इमरान खान साहब जाएं या इमरान खान साहब मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें, हर बात का कसूरवार इमरान खान है। इमरान खान साहब हुकूमत में है, इसी वजह से ये इमरान खान साहब को कसूरवार ठहरा रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने दरी का जो सबसे बड़ा झूठ बोला, बीमारी का बहाना बनाया, और अभी एक मेरे पास नई रिपोर्ट आई है, वो भी इस वीडियो में आपके साथ शामिल करना चाहूंगा, कि नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं पाकिस्तान वापस आने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि मुझे जेल में मत डाला जाए। मैं जेल में नहीं जाना चाहता। यहां पर मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि ये खानदान शुरू से लेकर आज तक झूठ बोल रहा है, और इनके तर्जुमान आपको मिसलीड कर रहे हैं और आपको गलत एंगल के ऊपर लेकर जा रहे हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मोजीन नाजरीन, तमाम जो देखने वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी अपनी आंखें खोलें। मुझे मुझे किसी गवर्नमेंट से आने या जाने से कोई मसला नहीं है। मुझे उस टाइम मसला होता है कि जब हमारे लीडर जो कि हमारे ऊपर बैठते हैं, जो कि हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, जब वो सच्चाई और सच का साथ नहीं देते तो फिर मेरा दिल दुखता है, और फिर मैं आपके साथ तमाम तस्वीरें अपने चैनल के ऊपर शेयर करता हूं। मेरा मकसद पाकिस्तान में ईमानदारी, और मेरा मकसद यह है कि पाकिस्तान में ऐसे लीडर की यहाँ पर ऐसे लीडर को इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा, हमें तमाम तर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान में जो चीज चाहिए वो हमें एक सच्चा और ईमानदार लीडर चाहिए। इमरान खान साहब उनकी जितनी भी सच्चाई की ईमानदारी की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसा निज़ाम चाहिए कि जिसमें इन तमाम तर लोग जो कि झूठ बोल कर गए हैं, तमाम तर चीज़ें हुई हैं, इनके इनसे लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए और तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के हवाले की जाए। यहाँ पर आप इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि कोई नून लीग के खिलाफ बगावत करेगा और नून लीग की विकटें गिरेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा और ना ही होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तमाम तस्वीरें मैंने आपको क्लियर कर दी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत, अपना पेपर का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।